हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिप्सी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, नॉन फार्मा कंटेंट का एक और वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। एक थर्ड नंबर से दो नंबर ऐसे हैं जो कि 20% और 50% ज्यादा है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, देखो क्या बात हो रही है कि यहाँ पे आपको बताया कि दो नंबर्स हैं जो कि आपके 20% और 50% ज्यादा है किसी तीसरे नंबर से। तो तीसरा नंबर मान लिया हमारा x था, तो x से आपका 20% a ज्यादा है और 50% आपका b है जो कि ज्यादा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों का आपस में रेशियो क्या है। इससे 20% ये ज्यादा है, इससे 50% ये ज्यादा है, तो ये दोनों आपस का रेशियो क्या है इन दोनों के। तो आप जरा बताओ, अगर हम इसकी बात करें तो हम इससे 20% ज्यादा ये है, मतलब 120/100 हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 से 20% ज्यादा है, तो 120x/100। और यह 50 ज्यादा है, मतलब ये 150/100 है, इसका ये 150 है, ठीक है। तो ये आपके हो गए आपस में, इन दोनों का आपस में रेशियो देख लो, इन दोनों का आपस का रेशियो देखिए क्या आ रहा है। आप इनको अगर कट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ये आपके हो गए, यहां क्या हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 6, और ये हो जाएंगे, ये क्रॉस हो गए, ये 5 2 जा 10 और ये 5 3 जा 15, मतलब 6x/5 रेशियो 3x/2। ये आपके आपस में कुछ इन दोनों के रेशियो मिल रहे हैं। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 6 2 जा 12x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, या फिर रेशियो है तो रेशियो ही रहने देते हैं, चलो अभी रेशियो ही रहने देते हैं, 3 5 जा 15x। तो ये आपका हो गया, 3 से कट करो तो 3 4 जा 12 4x रेशियो, 3 5 जा 15 15x, मतलब 4/5 का रेशियो आना चाहिए, 4/5 का रेशियो आएगा। सी ऑप्शन आपका यहां से देखो सही हो रहा है, 4/5 आपका यहां पे आना चाहिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं, ही सेल्स 40% एप्पल्स और एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। उसने 40% एप्पल्स को सेल कर दिए हैं, अच्छा एक बात होगा, उसने 40% बेच दिए तो 60% बचे होंगे, 60% बचे हैं, और वो बोल रहा है कि अभी भी उसके पास 420 एप्पल्स हैं, मतलब ये कितने परसेंट है टोटल का, ये 60% है टोटल का, तो टोटल का 60% इतना है, तो ओरिजिनली ही हैड, तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे, मतलब 100% वैल्यू जो है वो कितनी रही होगी। तो एक बात बताओ, हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास एक्स एप्पल्स थे, तो एक्स का 60% कितना है, 420 है, एक्स का 60% 420 है, तो टोटल यहां से हम निकाल सकते हैं या नहीं बताओ जरा। ये आपका क्रॉस कर लो, ये आपका हो गया 3 times में, ये हो गया 5 times में, 5 इधर आएगा तो 420 into 5/3 ये कर लो, ठीक है ना, अपॉन 3 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये लो जी। अब बताइए, ये हो गया 0 5 4 जा 20 0 5 1 जा 5 2 7, तो उसके पास x की वैल्यू आ गई है 700, मतलब उस स्टार्टिंग में उसके पास टोटल 700 एप्पल्स रहे होंगे, शुरुआत में उसके पास 700 थे, 40% उसने सेल कर दिए हैं, तो उसके पास कितने बचे हैं, 420 जो कि 60% था, तो हमको पता चल गया कि स्टार्टिंग उसके पास 700 एप्पल्स रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 meter ब्रेथ ऑफ 2 meter इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक, द बोट सिंक्स बाय 1 centimeter व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट, द मास ऑफ द मैन इज। देखो एक बोट है जो कि क्या कर रही थी, लेक पर तैर रही थी, और उसकी टोटल लेंथ थी 3 meter और विड्थ थी, जो ब्रेथ है चौड़ाई है वो 2 meter थी। जब उस पे एक बंदा बैठ जाता है तो वो जो बोट है वो 1 centimeter क्या होती है, पानी में दब जाती है, पानी में डूब जाती है, मींस 1 centimeter आपका क्या हुआ होगा, यहाँ पे पानी बाहर ऊपर की ओर आ गया होगा। तो चलो देखते हैं, यहां आपसे पूछा गया कि बताओ उस जो मैन बैठा है उस पे उसका मास क्या है।
तो अगर हम यहां से ये बताएं कि टोटल यहां पे वाटर कितना है, जो कि क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, हमको यहां से अगर ये पता चल जाए जो पानी यहां से डिस्बर्स हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्बर्स अगर यहां से निकला है तो हम यहां से मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मास निकाल सकते हैं। तो देखो वॉल्यूम कितना है जो कि यहां से क्या हुई होगी डिस्पर्स हुई होगी। तो देखो जरा टोटल यहां पे हम वॉल्यूम निकाल लें, 3 × 2 × सेंटीमीटर में दिया गया हुआ है, सेंटीमीटर में दबी है, बाकी सारी वैल्यू मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/100, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/100 यहां से आप निकालते हो तो 3 × 2 = 6 × 0.00 हो जाएगा ना, ठीक है 100 हो गया, 1 × 2 = 2 0 है मतलब 1.0126, ये लो ये आपका आ गया यहां से वॉल्यूम। और आप बताओ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास हमको फाइंड करना है डेंसिटी वाटर की, क्योंकि ये वैल्यू मीटर में है, ये वैल्यू मीटर में है, तो हम क्या करेंगे इसको करेंगे डेंसिटी यहां पे वाटर की लेंगे 1000, वॉल्यूम कितना है 0.06, ये हमको बता देगा कि मास क्या है उस पर्सन का मास। तो देखो जरा 1 × 2 = 1 × 2 = 0 तो ऐसे ही काट दो, तो 10 × 6 कर लो, अब 10 × 6 करोगे तो कितना आएगा 60, मतलब 60 किलोग्राम उसका वेट होगा जो पर्सन वहां पे बैठा है, 60 किलोग्राम उसका वेट है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 60 किलोग्राम उसका वेट है, मास ऑफ मैन कितना है 60 किलोग्राम। आगे चलते हैं, इफ 0.75 रेशियो एक्स इज इक्वल टू द रेशियो 5:8 Then x is equals to, आपको बताना है x की यहां पे क्या वैल्यू है, अगर 0.75/x ये 5/8 के इक्वल है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, इक्वल है तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, तो जरूर जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये हो गया आपका 5x = इसको आप करोगे तो 8 × 5 = 40 0 × 4 = 8 × 7 = 56 और 4 = 6 और 2 पॉइंट के बाद 0, मतलब आप यहां कहीं 0 लगा लो, तो 5x = 6 बचेगा, x = 6/5, 5 × 5 = 2 0.20, 1.20, 1.20, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कुछ ऐसे आप इसको कर सकते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन अ रेगुलर वीक देयर आर 5 वर्किंग डेज एंड फॉर ईच डे द वर्किंग आवर्स आर 8। एक रेगुलर वीक में 5 दिन होते हैं वर्क करने के और हर दिन 8 घंटे का काम होता है नॉर्मल, ठीक है ना, रेगुलरली जो आपकी बात है, अ मैन गेट्स 2.40 पर आवर फॉर रेगुलर वर्क एंड 3.20 पर आवर फॉर ओवर टाइम, If he earns 432 in 4 weeks, then how many hours does he work for? अच्छा लंबा क्वेश्चन है लेकिन देखते हैं आसानी दिख रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं कि एक हफ्ते में 5 वर्किंग दिन हो रहे हैं और हर दिन में 8 घंटे नॉर्मल काम होता है, मतलब 8 घंटे 5 दिन में अगर हम बात करें तो एक वीक में 40 घंटे हैं जो कि नॉर्मली एक पर्सन काम करेगा जो कि ऑफिस आवर्स है 40 घंटे के, इसके लिए उसको कितना दिया जाएगा इसका इस पीरियड में काम करने का, उसको 2.40 रुपीज दिए जाएंगे पर घंटे, हर घंटे के हिसाब से कितना रुपए दिया जाएगा, पर आवर कितना रुपए दिया जाएगा। और अगर वो इसके अलावा वर्क करता है, मतलब 8 घंटे के बाद वो 9 घंटे 10 घंटे एक ही दिन में कर रहा है, तो वो ओवर टाइम में गिना जाएगा और ओवर टाइम करने के लिए उसको कितना मिल रहा है 3.2 रुपीज पर आवर मिलेगा फॉर ओवर टाइम फॉर रेगुलर। अच्छा तो उसने बोला कि 4 हफ्ते बाद उसको 432 रुपीज मिल रहे हैं, तो एक बात बताओ 4 हफ्ते में रेगुलर घंटे कितने उसने किए होंगे, एक हफ्ते में 40 घंटे, तो 4 हफ्ते में इंटू 4 कर दो, मतलब 160 आवर थे उसके रेगुलर, 160 आवर उसने रेगुलर वर्क किया होगा 2.40 रुपीज के हिसाब से, 2.40 रुपीज के हिसाब से, और बाकी जो बचा होगा उसको उसने 3.2 रुपीज के हिसाब से पाए होंगे। तो देखो 160 उसने 2.4 के हिसाब से पैसे पाए, प्लस x घंटे उसने ओवर टाइम किया, लेट सपोज कि कुछ एक्स्ट्रा किया होगा x घंटे, तो उस x को उसने 3.2 रुपीज के हिसाब से पाए होंगे,
और ये सब का सम जो आया है वो उसने 432 रुपीज घूमे हैं। इसको सॉल्व कर ले, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी कि टोटल घंटे एक तो पता है हमको 160 और जो एक्स्ट्रा है वो भी जोड़ देंगे तो हमको टोटल हार यहां से पता चल जाएगा। चलो देखते हैं इसको करते हैं अगर तो यहां से करो, सबसे पहले देखो 16 है ना, 64 हो गया आपका 4 और 16 2 जा 32, 32 और 6 है ना, 32 और 6 आपका 38 और एक जीरो था तो जीरो लगाओगे तो पॉइंट से कट जाएगा तो 384 बचेगा, प्लस आपका क्या है यहां पे, यहां है 3.2 एक्स इंटू 3.2 मीन्स 3.2 एक्स इज इक्वल टू 432 रुपीज, इतना हो गया। अब बाकी यहां कर ले, यहां पे कर लेते हैं 3.2 एक्स इज इक्वल टू हो जाएंगे 432 माइनस, इतना माइनस कर दो 384, कितना आ गए हैं यहां से 8, यहां से आ जाएगा 48, इतने घंटे उसने किए होंगे तो ये रुपए उसने ओवर टाइम के पाए हैं 48, 48 रुपए उसको क्या हो रहे हैं ओवर टाइम के भी मिले हुए हैं, तो 3.2 के हिसाब से उसको मिले तो कितने घंटे हो गए, x इज इक्वल टू 3.2 अपॉन 48 अपॉन 3.2, यहां से आप करते हो तो 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30, हाँ जी तो ये 15 आ जाएगा आपका, 15 आर आ जाएंगे। तो देखो 160 घंटे तो उसने किए थे नॉर्मल में रेगुलर वाले और 15 घंटे उसने किए कहां पे ओवर टाइम के, तब मिलाकर के आपको 432 रुपीज मिल रहे होंगे। तो 160 प्लस 15 आपका कितना हो रहा है 175 आवर आपके यहां से आ जाएंगे, मतलब उसने टोटल 175 आवर क्या किया है वर्क किया होगा, टोटल 175 आवर का वर्क उसने किया होगा। पीटर इज इन द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम, जो सबसे पहले डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते ही ना आप सबसे पहले बना जरूर लिया कीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये लो। अब क्या है देखो, पीटर जो है वो ईस्ट है टॉम के, टॉम मान लिया हमारा यहां है, इसके ईस्ट में है पीटर, पीटर इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन, जॉन के नॉर्थ में है कौन टॉम, मतलब जॉन के नॉर्थ में टॉम है, ठीक है जॉन के नॉर्थ में टॉम है। और क्या है, माइक इज इन द साउथ ऑफ जॉन, जो माइक है वो जॉन के साउथ में है, मतलब यहां कहीं माइक है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर, पीटर के किस डायरेक्शन में माइक है, पीटर से किस डायरेक्शन में माइक है, तो पीटर से इस डायरेक्शन में है माइक। तो ये देखो एग्जैक्टली आपकी साउथ नहीं जा रही है, ये आपकी वेस्ट भी है और साउथ भी है, तो साउथ वेस्ट में है आपका, साउथ वेस्ट में कौन है पीटर से माइक है, साउथ वेस्ट में आपका है, ठीक है ना, पीटर टॉम जॉन माइक ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लैंग्वेज नोएडा इज कोडेड एज OPJEB, हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज, किससे कोड किया जाएगा दिल्ली को। देखो ये नोएडा आपको कुछ ऐसे किया गया हुआ है, अच्छा तो देखो NMNO यहां प्लस वन किया गया है, OP हां जी, I से J एक वर्ड यहां पड़ गया, T का हो गया E हां जी एक वर्ड, A का हो गया B, एक एक वर्ड इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो D का हो गया E, E का हो गया F, L का हो गया M, H का हो गया J और I का हो गया, एक मिनट, H का हो गया I और I का हो गया J, ये लो EFMIJ ये रहा, EF से ही पता चल गया था यहां तो B ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, एक एक वर्ड यहां पे एक एक लेटर्स आगे बढ़ा दिए गए। Assertion reason, James Watt invented steam engine, सही बात है, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट द वॉटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस, जो फ्लडेड माइंस, माइंस जो होती थी जब वहां पानी भर जाता था तो वहां से पानी निकालने के लिए ये इंजन बनाया गया था। तो आपको दोनों रीजन बताने क्या ये सही है, तो जी हाँ एसर्शन तो सही है, वो तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है, रीजन भी सही लिखा गया है, जेम्स वॉट ने इसीलिए इस इंजन को बनाया था कि वहां जो माइंस होती थी उनमें पानी भर जाता था तो उनको निकालने के लिए क्या किया गया था, इस इंजन को बनाया गया था। तो बोथ A एंड B आर करेक्ट,
आपका ये करेक्ट है दोनों, और ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी इसकी, ठीक है assertion reason दोनों सही है और आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक आर, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्वेस्ट हार्वेस्ट विंटर स्टॉक पाइल क्रॉप ट्रैक्टर, हार्वेस्ट किससे रिलेटेड है यहां पे, तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो आपके क्रॉप होती है उनके कटाई को तो आप हार्वेस्टिंग बोलते हो, तो हार्वेस्ट किससे रिलेटेड है, क्रॉप से आपका रिलेटेड है, ठीक है ना, क्रॉप से रिलेटेड है कटाई जिसको आप बोलते हो कटाई मड़ाई। अ थर्मोमीटर इज टेम्परेचर, जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर से रिलेटेड है, कंपास का रिलेशन किससे है, कंपास का, थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर मेजर करता है, कंपास क्या करता है डायरेक्शन को मेजरमेंट करता है, तो आपका सी यहां से करेक्ट है, डायरेक्शन का मेजरमेंट कंपास से किया जाता है। आगे चलते हैं, हु इज द फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो, मेंस जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पहला एशियन था जो पाए हैं, और वो कौन है, अपने इंडिया के ही नीरज चोपड़ा, शायद आप सभी को पता होगा, इसी बार उन्होंने जो हुए हैं ओलंपिक्स उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल पाया था, ठीक है ना, गोल्ड मेडल इन्होंने लिया था। Which International Yoga Day was first celebrated? कब आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, तो ये 21 जून को किया जाता है, 21 जून को 2015 से आपका ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना, मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, उनके जैसे ही पीएम बने थे उनके नेक्स्ट टाइम पे इनको स्टार्ट किया गया था, तो आपका 21 जून 2015 से आपका ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलो जी, वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 टेक प्लेस, कहां हुए हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये बिर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है ना, बिर्मिंघम में हुए थे इंग्लैंड में। हु लॉन्च द अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो अग्निपथ स्कीम क्या थी, यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसेंटली अभी क्वालिफाई किए होते हैं अपना इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट के बाद जो होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ समय के लिए आर्मी अपना ट्रेनिंग देगी और आर्मी एयरफोर्स तीनों ही जो भी आपके फोर्सेस हैं वहां पर इनको दिया जाता है, वहां ये 3 साल के लिए 4 साल के लिए जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, तो ये मिलिट्री अफेयर्स ने इसको क्या किया था, यहाँ पे अभी लॉन्च किया था, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्या है, एज पर द रीसेंट इंडियन रेलवे पॉलिसी बाय विच ईयर द फ्लीट ऑफ व्हीकल्स ऑफ रेलवेज वुड बी रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी रेलवे ने एक नया एडवाइजरी जारी किया जहां उन्होंने बोला कि हम एक इस साल से पहले पहले सारे सारे अपने जो भी इंजन हैं जो भी लोकोमोटिव्स हैं उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी रन से हम लोग उसको गवर्न करेंगे, सबको अपना इलेक्ट्रीफाई कर लेंगे, सारे इंजन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक के ही चलेंगे। तो कब से पहले वो करने का इन्होंने बात किया है, तो 2025 से पहले पहले उन्होंने बोला है कि हम सारे के सारे इंजन जो भी हमारे लोकोमोटिव है सबको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड स्पेलिंग्स मिस स्पेलिंग्स इज नोन एज। आपका जो वर्ड में आप कंप्यूटर पर टाइपिंग किए होंगे तो वहां पे क्या होता है उसको पता चल जाता है, कई बार क्या होता है कि आप स्पेलिंग गलत है तो वो स्पेलिंग जो चेक करता है जो आप टाइप करते समय वो कौन सा उसका फंक्शन है, कौन सा आपका प्रोसेसिंग है, ग्रामर चेकर है, स्पेल चेकर है, वर्ड चेकर है या फिर नन ऑफ द अबव, तो वो स्पेलिंग को चेक करता है, तो क्या होता है स्पेल चेकर है जो कि वर्ड का आपका एक फंक्शन है आपका। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स, किसका बर्थ से हम लोग बहुत ही सस्ते सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, पीडीएस से, आपका माइक्रो प्रोसेसर से, माइक्रो कंप्यूटर से या फिर मेन फ्रेम्स से। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इनका जो आपका इन्वेंशन हुआ इसकी वजह से हम बहुत ही सस्ते सस्ते कंप्यूटर्स को बनाना शुरुआत कर दिए हैं, ठीक है जी। चलो, हाउ मेनी कलर्स डॉट मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन, कितने कलर डॉट से एक पिक्सल की स्क्रीन बनाई जाती है, तो आप लोगों ने आरजीबी सुना होगा, रेड ग्रीन ब्लू, तीन आपके डॉट्स से क्या करता है एक पिक्सल का फॉर्मेशन होता है और उसी से ही सारे कलर्स वहां पे बनाए जा सकते हैं। तो आरजीबी तीन आपके होते हैं क्या, तीन डॉट्स से हम यहाँ पे बना सकते हैं एक पिक्सल को। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स, कौन सा यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट है जो कि प्राइमरी एलिमेंट होता है कंप्यूटर चिप्स में, और चिप्स मतलब जो आपकी चिप बनाई जाती है कंप्यूटर की चिप जो होती है उसके लिए ये जो सिलिकॉन है जिसको आप क्या बोलते हो, ये आपके
नेचुरल प्रोड्यूस होता है और इसी से हम क्या करते हैं, चिप्स को बनाते हैं जो कंप्यूटर में यूज होती है, खाने वाली चिप्स नहीं यहाँ पे है। तो सिलिकॉन ही क्या होता है आपका, यहाँ पे कंप्यूटर्स में यूज होने वाला एक नेचुरल कंपाउंड है जिससे हम चिप्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिलिकॉन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। देखो कीबोर्ड भी क्या होती है, आप टाइप करते हो तो वो कंप्यूटर के पास जाती है, हम जो टाइप करना चाहते हैं जो हमको कंप्यूटर से चाहिए वो हम कंप्यूटर को बताते हैं कीबोर्ड से, माउस से भी हम कंप्यूटर की बताते हैं। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, इनसे हम इनपुट दे रहे हैं। लाइट पेन से भी हम क्या होता है, इनपुट देते हैं, लेकिन वीडीयू जो होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये क्या होती है, इससे हमको विजुअल्स दिखते हैं, यहाँ हमको पिक्चर्स दिखती हैं। तो वीडियो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर हमको दिखाता है। तो वीडियो क्या है, एक ये आउटपुट डिवाइस होती है, वीडियो आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि नॉन फार्मा से रिलेटेड थे। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। थैंक यू ऑल।